मैं मेरा ना तो मेरी लीडरशिप की ये ट्रेनिंग है कि खातून पे हाथ उठाता, यहाँ को मर्द होता तो मैं जरूर उस पे हाथ उठाता या मैं मजामत करता। एक तरफ हम जो है वो औरतों के हकूक की बात सीएम मैडम कर रही है और मैं इनको अगर हाथ उठाता तो मैं कहाँ कह रहा था मुझे ये पता है। लेकिन तहर साहब, आप पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि आप मजाक उड़ा रहे थे, आप वीडियोस बना रहे थे, इसलिए वो सीख पा हो गई खातून। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वहाँ पे 15,000 कैमरे से सबके एविडेंस है वहाँ पे जो मैं कर रहा था। अच्छा तहर साहब, एक और रहनुमाई फरमाएगा कि अब आप पर यकीनी तौर पर हमला किया, सब देख रहे हैं ये मामला, सबकी नज़र में है, पूरी आवाम देख रही है, ये कहेगा कि आप कानूनी रास्ता ही अडॉप्ट करेंगे खातून के खिलाफ, या अगर कोई माफ़ी मांगती है, सुलह की बात होती है तो आप उस पर सोच सकते हैं? मैं अभी तो बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पे मुतलका पुलिस खड़ी हुई है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह फजल खुदा जो भी कानूनी रास्ता है वो मैं इख्तियार जरूर करूंगा। जरूर इख्तियार करेंगे आप कानूनी रास्ता इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ ताहिर अंजुम मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता वो इख्तियार करेंगे। उन्होंने खातून होने के नाते उन पर आगे से उनका रिएक्शन नहीं दिया, हमला नहीं किया, लेकिन वो अपना हक रखते हैं कानूनी चारा जोई का। बाबर डोगर हमारे साथ ही मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब से हम रابطہ करने की कोशिश अभी करेंगे। आपको ये बताएं कि आपसे कुछ देर कबल हमने जो गुफ्तगू की है ताहिर अंजुम से, उनका कहना था कि मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा था और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ये चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा, लेकिन ये जमात ऐसी है जिनकी अदम बर्दाश्त आपको दिखाई दे रही है। आपको एक बार दोबारा ये वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं।